enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. मुंबई में कल हुआ सबसे फेवरेट कॉन अवार्ड, जहां पहुंचे ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा और कई बॉलीवुड स्टार्स। लेकिन मजेदार बात तो ये है कि इस अवार्ड फंक्शन पर आने की थी इन स्टार्स की अपनी अपनी वजह। मुंबई में हुआ सबसे फेवरेट कॉन अवार्ड नाइट, जहां पहुंचे बॉलीवुड के कई बड़े चेहरे, लेकिन इनके यहाँ आने की और परफॉर्म करने की थी अपनी अपनी वजह। अब सबसे फेवरेट कौन एक्टर अवार्ड के हकदार अक्षय कुमार को ही ले लीजिए, जिनके इस साल आई कई बैक टू बैक फ्लॉप्स, लेकिन फिर भी आ गया इनकी झोली में ये अवार्ड। और अवार्ड मिलना था तो इसके लिए की जमकर परफॉर्मेंस की तैयारी, और राइट टाइम पर भी पहुंच गए और अवार्ड मिलने पर इतने खुश हो गए कि अपनी फ्लॉप फिल्मों की बातों को हवा में उड़ा दिया। और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे मौका दिया। बहुत अच्छा रहा, थोड़ी बहुत फ्लॉप्स रही वो तो होता ही रहता, बहुत अच्छा रहा, थोड़ी बहुत फ्लॉप्स रही वो तो होता ही रहता। सबसे फेवरेट एक्टर अवार्ड के बाद बात करते हैं सबसे फेवरेट एक्ट्रेस अवार्ड की हकदार प्रियंका चोपड़ा की, जिन्हें इस अवार्ड फंक्शन में मिले तीन अवार्ड्स। तीन अवार्ड्स के बदले एक परफॉर्मेंस तो बनती थी। well, काफी धमाकेदार परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि I'm kind of doing a spoof on myself. प्रियंका के बाद बात करते हैं रणबीर कपूर की, जिन्हें यहाँ मिला यूथ आइकन का अवार्ड। अब इस साल के मोस्ट डिजर्विंग एक्टर रणबीर कपूर को जब पता चला कि उन्हें यहाँ यूथ आइकन अवार्ड से नवाजा जाना है, तो ये भी पहुँच गए इस अवार्ड सेरेमनी में। मैं अपने आप को यूथ आइकन मानता नहीं हूँ, आई थिंक आई एम टू न्यू, मेरे सिर्फ दो साल हुए इस इंडस्ट्री में। रियल यूथ आइकॉन्स आर यू नो द खान्स, मिस्टर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, आई थिंक दे आर ट्रूली द यूथ आइकॉन्स। विवेक ओबरॉय भी पहुंचे इस अवार्ड फंक्शन में। जी नहीं, ये यहाँ कोई भी अवार्ड या फिर कोई परफॉर्मेंस देने नहीं पहुंचे थे, बल्कि इस अवार्ड फंक्शन को इन्होंने चुना फिर से अपनी आने वाली फिल्म प्रिंस को प्रमोट करने के लिए। इस वक्त आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड अबाउट प्रिंस। We've been very, very lucky. Prince on YouTube has had more than 100,000 hits. 1 lakh से ज़्यादा लोगों ने view किया है Prince के promo को on YouTube. That's a very big deal. That's a very cool thing. So I'm very, very excited. Fingers crossed for Prince. कहीं चल रहा था फिल्म का प्रचार, तो कहीं सिर्फ दोस्ती निभाने के खातिर आए ऋतिक रोशन, अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर, जो यहाँ जितनी जल्दी आए उतनी ही जल्दी यहाँ से चले गए। इनकी यहाँ आने की वजह थी फराह खान और साजिद खान। अर्जुन के डूबते करियर को दिया फराह खान ने सहारा, तो ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर है बेस्ट फ्रेंड्स विद फराह खान एंड साजिद। इस साल के डेब्यूटेंट अवार्ड के हकदार जैकी भगनानी और श्रुति हसन भी पहुंचे अपने अपने अवार्ड को लेने। Finally, I got my first award and I'm still coming to terms with it. I cannot believe it. And you know, my dad's a producer and I used to always feel that when I'll become an actor and win an award, and finally I've got it. इवेंट से गायब रहने वाली असन भी यहाँ पहुंची। अब इन्हें शायद अपना व्यूअर्स चॉइस अवार्ड खींच लाया यहाँ तक। इनके अलावा इस अवार्ड फंक्शन में दिखे बिपाशा बासु, तनुश्री दत्ता, प्राची देसाई, पाल रोहतगी और गौहर खान। तो कुछ यूं स्पेसिफिक रीजंस के चलते इस अवार्ड फंक्शन में अपने अपने मकसद से ली स्टार्स ने एंट्री। गौरव दुबे के साथ राजप्रीत सोंद, जूम मुंबई।